नमस्कार, मैं वैशाली। आज मैं बना रही हूँ मशरूम पिज़्ज़ा। बच्चे हो या बड़े, सभी को पिज़्ज़ा बहुत ही अच्छा लगता है। तो आज मैंने बनाया है घर पे ही मशरूम पिज़्ज़ा, और इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर हम घर पे पिज़्ज़ा बना रहे हैं तो अपने पसंद की टॉपिंग डाल सकते हैं, और अच्छी तरह सेफ भी बनता है, क्योंकि आजकल के टाइम में हम बाहर की चीज़ें ना ला के घर पे ही चीज़ें बनाएं तो बनाने की खुशी तो होती है, और साथ में टेस्ट भी बहुत ही बढ़िया आता है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से मैंने आज ये मशरूम पिज़्ज़ा बनाया है। तो ये देखिए, मशरूम पिज़्ज़ा की टॉपिंग बनाने के लिए मैंने यहाँ पे मशरूम को बढ़िया साफ़ करके स्लाइस में कट कर लिया। ये देखिए, थोड़े हम थिकनेस रखेंगे, बहुत ज़्यादा पतली स्लाइस नहीं कट करेंगे, क्योंकि हमें इन्हें रोस्ट करना है। और लगभग 5 से 6 मैंने मशरूम लिए थे, और 2 मीडियम साइज के प्याज को भी मैंने अच्छी तरह साफ करके लंबाई में कट कर लिया है। और 2 ही टमाटर लिए थे मैंने, गूदा इसका निकाल दिया और उसके बाद इसे लंबी स्लाइसों में कट किया हुआ है। तो ये देखिए, मशरूम प्याज और टमाटर को रोस्ट करेंगे हम बटर में। इससे क्या होता है कि जब हम रोस्ट करते हैं तो टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा टॉपिंग का। जैसे मशरूम, जैसे हम तवा, ये हम पैन पिज़्ज़ा बना रहे हैं, अगर आप ओवन में बना रहे हो तो थोड़ा सा उसमें पक भी जाएगा, लेकिन हम पैन में बना रहे हैं तो उतना, जैसे किसी किसी को मशरूम कच्चा खाना पसंद नहीं होता तो थोड़ा सा पक जाएगा, रोस्ट हो जाएगा बटर में, तो उसका टेस्ट बहुत ही बढ़ जाता है। ये देखिए, बटर मैंने डाल दिया है, और अब मैं इसमें डाल दूंगी प्याज और मशरूम, और फुल आंच पे ही हमें इन्हें रोस्ट करना है, और बहुत ज़्यादा भी नहीं पकाना है। गैस की आंच फुल रखी हुई है, और इसमें मैं थोड़ा सा सॉल्ट डाल दूंगी, फैला देती हूँ पैन में अच्छी तरह से। नमक डालने से टेस्ट बढ़िया आएगा, बहुत ज़्यादा भी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा ही डालना है, क्योंकि पिज़्ज़ा में चीज़ डलता है, सॉस डलता है, उसमें भी नमक रहता है। ये देखिए, लगातार चलाते हुए फुल आंच पे हमें भूनना है। तो ये देखिए, फुल आंच में मैंने 2 से 3 मिनट रोस्ट कर लिया है मशरूम और प्याज को, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा पकाएंगे तो मशरूम जल्दी से पानी छोड़ देता है तो एकदम सिकुड़ जाएंगे। तो अब मैं इन्हें एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। तो ये देखिए, उसी पैन में मैंने थोड़ा सा बटर डाल दिया है, और अभी टमाटर के स्लाइस डाल दूंगी, और इन्हें भी लगातार चलाते हुए बस 1 मिनट ही फुल आंच पे भूनूंगी, क्योंकि अब टमाटर को भी हम ज़्यादा भूनेंगे तो वो भी पानी छोड़ देगा। वैसे अच्छे टमाटर कड़क वाले ले तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि अगर सॉफ्ट वाले लेंगे ज़्यादा वो तो गल जाएगा जल्दी से। तो इस तरह से हमें लगातार चलाना है। ये देखिए, रोस्ट करने से एक बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा, स्मोकी फ्लेवर आ जाएगा बढ़िया। तो ये देखिए, टमाटर को भी मैंने लगातार फुल आंच पे लगातार चलाते हुए देखिए रोस्ट कर लिया, और आप कलर भी देख सकते हो चेंज हो गया, क्योंकि ये जो टमाटर थे बढ़िया टाइट थे, इसलिए सॉफ्ट नहीं हुए हैं। तो अब मैं गैस ऑफ कर दूंगी और टमाटर को भी एक प्लेट में निकाल लूंगी। और ये देखिए, पिज़्ज़ा बनाने के लिए मैंने रेडीमेड पिज़्ज़ा बेस लिया हुआ है, इसे मैंने एक बोर्ड पर रख दिया है। तो अब मैं इसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस लगाती हूँ, और ये पिज़्ज़ा सॉस है ये, अगर आपके पास ये नहीं है तो आप टमाटर सॉस भी लगा सकते हो, तो बढ़िया स्प्रेड कर देंगे पूरे बेस पे। तो ये देखिए, मैंने पिज़्ज़ा सॉस पूरी तरफ स्प्रेड कर दी है, और अब मैं इसके ऊपर थोड़ी सी चीज़ डालूंगी, मोज़रेला चीज़ है ये, अगर आपके पास प्रोसेस चीज़ है तो आप वो भी डाल सकते हो। अभी थोड़ी थोड़ी डालेंगे, उसके बाद हम टॉपिंग लगाएंगे, और उसके बाद दोबारा फिर चीज़ डालेंगे। तो ये देखिए, पिज़्ज़ा पे मैंने एक लेयर मोज़रेला चीज़ की डाल दी है, तो अब हम इसके ऊपर टॉपिंग रखेंगे, जो हमने मशरूम को रोस्ट करके रखा था उस तरह से बढ़िया सजा। आपको जैसे लगता है आप उस हिसाब से सजा सकते हो, जैसे आपको पिज़्ज़ा बनाना हो, जितना सुंदर बनाना है, और बच्चों को जो टॉपिंग पसंद है आप वो डाल सकते हो, इसमें लगा सकते हो। ये देखिए, और मशरूम खाना काफ़ी हेल्दी भी होता है, तो इस तरह से आप अगर मशरूम बच्चों को खिलाते हो तो बढ़िया है। ये देखिए, अच्छी तरह से सजा दीजिए बढ़िया। अब मैं टमाटर की स्लाइस रखते जाती हूँ, रोस्ट करने से बटर में बहुत बढ़िया टेस्ट आ गया है टमाटर में। ये देखिए, इस तरह से लगा देंगे। चाहे तो आप मशरूम भी ले सकते हो, जो आपको पसंद है आप वो ले सकते हो। और अब बीच बीच में मैं प्याज भी रख दूंगी। तो ये देखिए, पिज्जा टॉपिंग मैंने अच्छी तरह से रख दी है,
और अब मैं इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा ऑरेगानो डालूंगी ताकि बढ़िया टेस्ट आ जाए हमारे टॉपिंग में। हमने जब रोस्ट किया था तब थोड़ा सा नमक तो डाला था, लेकिन अभी बिल्कुल थोड़ा सा डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा सा ही डालेंगे, और थोड़ा सा चिली फ्लेक्स। अब इसके ऊपर आएगी चीज़ की लेयर, उसके ऊपर दोबारा हम डालेंगे ऑरेगानो चिली फ्लेक्स, जिससे और बढ़िया टेस्ट आएगा, देखने में तो अच्छा लगता ही है। ये देखिए थोड़ा थोड़ा ही डालेंगे। तो अब मैं इसके ऊपर दोबारा मोज़रेला चीज़ डालूंगी। चीज़ के बिना तो पिज़्ज़ा बिल्कुल अधूरा ही है, और जब ये चीज़ मेल्ट होगी टॉपिंग के ऊपर देखने में तो अच्छा लगता ही है, पिज़्ज़ा खाने में उतना ही टेस्टी लगता है, और मशरूम का पिज़्ज़ा तो बहुत टेस्टी लगता है। ये देखिए बढ़िया चीज़, आपको जितनी पसंद है आप डाल सकते हो। तो ये देखिए मोज़रेला चीज़ मैंने अच्छी तरह से स्प्रेड कर दी है, और ये आपको जितनी चाहिए आप उतनी डाल सकते हो। तो अब मैं इसके ऊपर ऑरेगानो डालूंगी। अगर आपके पास ऑरेगानो नहीं है तो आप फ्रेश काली मिर्च कूट के डाल सकते हो, चिली फ्लेक्स तो होती है घर पे, आप वो डालिए, उससे भी बढ़िया टेस्ट आता है। और बच्चे को दे रहे हैं तो आप ज़्यादा चिली फ्लेक्स यूज़ ना करें, थोड़ी थोड़ी काली मिर्ची डालें, उससे भी बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। तो ये देखिए थोड़ा थोड़ा सा डाल देंगे, क्योंकि जब चीज़ मेल्ट होती है तो उसमें मतलब ऑरेगानो का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है, और लुक भी बहुत ही अच्छा आता है। तो ये देखिए ऑरेगानो मैंने अच्छे से डाल दिया, ऊपर से डालूंगी चिली फ्लेक्स। अब ऊपर नमक नहीं डालेंगे, क्योंकि मोज़रेला चीज़ में भी नमक होती है, सॉस में नमक होता है, फिर भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हो। तो ये देखिए चिली फ्लेक्स बढ़िया डाल देंगे, अगर आपको स्पाइसी ज़्यादा पसंद है तो आप उस हिसाब से डाल सकते हो। तो ये देखिए बढ़िया चिली फ्लेक्स डाल दिए। तो ये देखिए हमारा मशरूम पिज़्ज़ा बिल्कुल तैयार है सेकने के लिए, तो अब हम इसे एक पैन में सेकने के लिए रखेंगे। तो ये देखिए पिज़्ज़ा को सेकने के लिए मैंने एक पैन रख दिया, धीमी आंच पे गैस ऑन कर दिए। तो अब मैं इसमें एक बड़ा टुकड़ा बटर का लगा रही हूँ, क्योंकि नीचे से हम बेस को सेकेंगे तो बटर लगा रहेगा तो टेस्ट तो बढ़िया आएगा ही, और अच्छी तरह से हमारा पिज़्ज़ा सिकेगा। तो ये देखिए बटर लगा दिया मैंने, और अब हम रखेंगे हमारा पिज़्ज़ा। तो मैं पिज़्ज़ा को सिकने के लिए पैन में रख देती हूँ, संभाल के रखिए, और गैस की आंच अभी बिल्कुल धीमी रखी हुई है मैंने, और गैस को धीमी आंच पे ही रखेंगे। और अब मैं इसे ढक दूंगी चीज़ को मेल्ट होते तक। तो ये देखिए हमारी चीज़ मेल्ट हो चुकी, ऊपर से ही दिख रही है, तो मैं आपको ढक्कन खोल करके दिखाती हूँ। ये देखिए कितना बढ़िया दिख रहा है हमारा मशरूम पिज़्ज़ा, और चीज़ मेल्ट होने के बावजूद जो हमने टॉपिंग डाली थी वो भी दिख रही है, बहुत ही बढ़िया दिख रहा है पिज़्ज़ा। तो हमारा गर्मा गर्म मशरूम पिज़्ज़ा खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो अब मैं इसे एक बोर्ड पर निकाल लेती हूँ फिर से। तो ये देखिए पिज़्ज़ा बोर्ड पे मैंने निकाल लिया है, तो अब मैं इसके पीसेस कट करती हूँ। तो आपको 4 पीस करने या 6 पीस करने आप अपने पसंद के हिसाब से कर सकते हो, और बहुत ही बढ़िया सिका है पिज़्ज़ा। तो ये देखिए बहुत ही क्रिस्पी बना है पिज़्ज़ा, नीचे से भी बढ़िया सिका है, आप आवाज़ भी सुन सकते हो, बढ़िया क्रंची है। सबसे बढ़िया बात है कि इसकी टॉपिंग बहुत ही बढ़िया दिख रही है। तो ये देखिए पिज़्ज़ा कट हो चुका है। तो ये देखिए पिज़्ज़ा को मैंने कट कर लिया, तो अब मैं आपको दिखाती हूँ उठा करके कितना बढ़िया दिख रहा है ये पिज़्ज़ा। ये देखिए चीज़ भी बढ़िया मेल्ट हो चुकी है, और पीछे से भी मैं आपको थोड़ा दिखाती हूँ, बहुत ही बढ़िया रोस्ट हुआ है। तो ये देखिए गर्मा गर्म मशरूम पिज़्ज़ा तैयार है खाने के लिए। तो आपने देखा इसे बनाना कितना आसान है, और ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, और बताना ना भूलें कि आपको मशरूम पिज़्ज़ा कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, धन्यवाद।